तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, बोला गया, सलाम, स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे पास अपने ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड खैरियत होंगे। फिलहाल सुबह मतलब दोस्तों अभी कितना, मतलब 5:15 बजे होंगे दोस्तों। और उठा हुआ तो कब से हूँ, बाबू के चक्कर में उठा हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पापा को बाबू को दिया और वापस दोस्तों अपने रूम में आया है। बात यह बतानी है दोस्तों कि जो सीटू आया हुआ है ना, तो सीटू आया हुआ तो दोस्तों यहाँ घूमने के पर्पज से कहीं प्लान बना था घूमने जाने के लिए। अब अचानक से दोस्तों उसने प्लान बना लिया कल सब मिल करके रात को कि जाना है, और मुझे नहीं बताया। फिर मतलब डायरेक्ट मेरे को रात में फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे चलना है और कल सुबह ही चलना है, एकदम से अचानक से आज सुबह के लिए। मन तो नहीं है बट जाना पड़ रहा है उन लोगों की वजह से, क्योंकि वो सब छोटे भी है और उतना दूर कभी मतलब अकेले जा भी नहीं सकते, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ जाता है, तो मैं मान गया। तो उसी के चक्कर में दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने, और 6 बजे निकलने का प्लान है। और हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ ना काकोलत घूमने। काकोलत अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो फिर आप गूगल मैप पे देख सकते हैं, नहीं तो फिर दोस्तों मैं हूँ ना आपको जा करके दिखाता हूँ। फिलहाल देखिए इधर सोई हुई बेचारी, अभी इसको उठाया कि मैं जा रहा हूँ, चाय वाय बनाएगी और दोस्तों चाय वाय पी करके निकलेंगे। तो जाते हैं दोस्तों, ब्रश व्रश करते हैं और कपड़े चेंज करके रेडी हो जाते हैं, नहाएंगे नहीं दोस्तों क्योंकि ठंडी है, बाइक से जाना है, ठंडी लगेगी, दिक्कत होगा, बरसात होगा, दिक्कत हो जाएगा, तो नहाऊंगा नहीं, कपड़े ले लूँगा। वहाँ जाकर दोस्तों वाटरफॉल में नहाएंगे, क्योंकि वहाँ वाटरफॉल है गाइस झरना, तो वहाँ नहाएंगे जा करके। तो ये गाइस पैकिंग हो गई है कपड़े की, और अब मैं सेफ हो जाता हूँ दोस्तों, हाथ पैर धो करके रेडी हो जाता हूँ। देखिए इधर काजल खाना बना रही है, खाना नहीं मतलब चाय बना रही है गाइस। तो फाइनली गाइस हम हो गए रेडी, और बस अब निकलते हैं दोस्तों। पहले उन लोगों को फोन कर लेते हैं, रोहित है, चित्तू है, अमन है, सत्यम है, रितु है, इतने और धीरज भी है गाइस, 6 लोग आई थिंक है, 3 बाइक 6 लोग। तो अब सबको फोन करते हैं दोस्तों, रोहित के घर पे चलते हैं, वहीं से निकला जाएगा गाइस। तो अभी चाय पी लेते हैं, ये मेरा चाय गाइस ये। तो गाइस फाइनली अब मैं निकलने वाला हूँ, रात का एक रोटी बचा था गाइस वो खा लिया, क्योंकि मेरे को ये दवा खाना है जो मैं गिरा था ना पैर में, घुटने में जो छिल गया था, हाथ में छिल गया था, उसकी दवाई है गाइस। तो तो अब हो गया गाइस, अब निकलते हैं, बाय 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 बाबू की। देखिए बढ़िया सा चाबी गाड़ी के, दोस्तों मैं गाड़ी अंदर लेके आ गया बाइक, और देखिए ये पूरा गंदा है, फिर भी काजल इसकी पूजा कर रही है, क्योंकि गाइस मैं जा रहा हूँ घूमने, तो इसको डर बना है कि इस गाड़ी से मैं गिर गया था ना, तो इसका कुछ, चलो ठीक है, सही है, मन की शांति के लिए अच्छी है। ठीक है पूछ लेते हैं, इसकी पूजा कर रही है गाइस। तो गाइस पूजा वूजा कर लिए बाइक का, आज दोस्तों हम निकलते हैं, और बढ़िया बढ़िया बाबू के ध्यान दिया, और शाम शाम तक आ जाएंगे गाइस, पूरा दिन भर का टूर होगा, क्योंकि थोड़ा दूर जाना है गाइस, तो दिन भर लगभग लग जाएगा। तो निकलते हैं दोस्तों, मैं क्लिक करके आप। तो गाइस अभी पहुँचे हैं रोहित के घर, और सब यहाँ भी सब मेरा वेट कर रहा है दोस्तों। चप्पल उखल के यार जूते अंदर, जबरदस्ती कर निकल रहे, लगा बढ़िया तब देखने नहीं करता। देखिए गाइस सब यहाँ रेडी होकर के सब बैठा है, धीरज है, रोहित, रितु, सिटू, और ये मेरा बेटा दोस्तों अमन। पापा बोल, सुबह सुबह प्रणाम करता हूँ गाइज। अभी जिसका इंतजार कर रहे हैं वो देखिए अभी नहीं आ रहा है, ये तो धीरज है गाइज, उसी को बुलाना। अच्छा ये देखिए अभी आ रहा है, टेम्पो लेकर के आ रहा है लड़का, और देखिए अभी तक रेडी नहीं हुआ है, इतना बदमाश लड़का है। अभी जाएगा अपने दुकान पे, ऑटो लगाएगा, और ये पीछे से जा रहा है उसको पिक करेगा गाइज, और हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये देखिए मौसम एकदम बारिश के जैसा, ऐसा लगता है वहाँ बारिश पकड़ लेगी हम लोगों को, अगर बारिश हो गया गाइज तो दिक्कत हो जाएगा। और बाकी ये सब देखिए, अच्छा ये गाइज अच्छे से सब पहचानता है, ये देखिए सब हमारे ही मोहल्ले के कुत्ते हैं। और ये देखिए गाइस चाची सबके लिए चाय बना के दी है, थैंक यू चाची। एरा काय दे देला मनवा के हमरे जल्द बांधो। तो गाइस चाय पी रहे हैं, बाकी ये सब भी पी लिए हैं, और देखिए निकल रहे हैं सब रेडी होने के लिए, जूता पहनने के लिए, उधर से वो लेकर के उसको आ रहा है दोस्तों। सिटू और अमन उस बाइक पे जा रहे हैं, ये मेरी गाड़ी, और उधर से रोहित और रितु, देखिए मैं रख ले दोस्तों, धीरज और अमन उधर से आएंगे, या रोड पे रुका है सब, रोड पे रुका हुआ है, तो निकलते हैं हम लोग भी दोस्तों जल्दी से। तो
हम लोग निकल गए हैं और ये देखिए हमारे आगे तीनों बाइक और साथ में दोस्तों मैं पीछे से जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब जल्दी से निकलते हैं, तेल वेल लेकर के आगे निकलते हैं गाइस। गाइस अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चला, मतलब अपने गांव के थोड़ा सा आगे निकला हूँ गाइस। जिंदापुर पार किया हूँ और बारिश देखिए कितना तेज बारिश होने लगा। हम लोगों की बाइक देखिए आगे खड़ा है, मतलब बैड लक दोस्तों, एकदम पूरा बैड लक। बारिश देखिए बहुत ज़्यादा बारिश तेज हो रही है। देखिए गाइज अभी जा करके बारिश छुट्टी है और जल्दी से दोस्तों हम लोग निकल भी गए हैं, क्योंकि ज्यादा लेट होगा तो लेट से पहुंचेंगे और लेट से पहुंचेंगे दोस्तों मजा नहीं आने वाला है फिर। तो हम लोग बस निकल रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो बस निकलते हैं गाइज। तो गाइज हम लोग चल दिए हैं और गाड़ी हम छोड़ के दोस्तों रोहित को दे दिए चलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब भीग गए गाइज, भीगते हुए जा रहे हैं। अब जो भी है देखा जाएगा, भीगते हुए जा रहे हैं। अब ज़्यादा रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम पर पहुँचेंगे नहीं तो वहाँ इन्जॉय नहीं होगा, और ज़्यादा लेट पहुँचेंगे तो आने में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो सही है, और रोहित को बोल दिए गाड़ी अच्छे से चलाना, थोड़ा स्लिप होने का डर है, यही दिक्कत रहता है गाइज। देखिए गाइस अब पानी छूट गई है और मौसम देखिए एकदम बेहतरीन है गाइस, और ये देखिए इसके सारे वीडियोस बनाते हुए दोस्तों ये, और उधर देखिए ना पहाड़ दोस्तों, पहाड़ एकदम ना बादल से टकरा रहा है गाइस वहां पे, देखिए एकदम मस्त। गाइस अभी यहां पे हम लोग रुके हैं गाइस इसलिए क्योंकि वो सब जो दूसरे रास्ते से आ रहे थे ना, तो हम लोग आगे निकल गए और वो सब पीछे रह गया। फिर मेरा ही रूट पकड़े वो लोग अभी पीछे हैं, बात किए तो बोला अभी इस जगह पे है, तो लोकेशन मांगे तो देखे कि दोस्तों अभी वो हमसे पीछे हैं। एक तो पिछवाड़ा दर्द दे रहा है गाइस वो अलग है, और दूसरा भूख लगी है, और फिर उन लोगों का आने का भी हो जाएगा तो साथ में चलेंगे तो वो अलग बात होती है। वो लोग आगे निकल गए थे और बिना पूछे आगे निकल गए थे, उन लोगों को पता नहीं था कि कहाँ से काटना है रोड को। तो कोई बात नहीं, अभी वेट करते हैं उन लोगों का और आ जाएगा तो दोस्तों साथ में चलेंगे फिर। देखिए अभी आ रहा है, देखिए मतलब 10 मिनट हम लोग रुके हैं तब जा करके ये सब पहुंचा है। कौन सी गई थी इसको देखिए, ये अलग ही हीरो बना है। अरे तो तुम कहे ले इतना आगे गए नहीं यार, ये तो आई है पागल, लोकेशन कम से कम बोले थे यार। तो गाइस अभी एक गाड़ी और आना बाकी है, सत्यम का बाइक नहीं आया है वो भी वीडियो बना लेनी है। ये देखिए ये सभी गाइस अभी पहुंचा, देखिए इस सब का लक्षण देखिए, देखिए कैसे चला रहा है मामू मामू चिल्लाए पुलिस देख रहे हम नहीं रुका लाचू रखो लेकर पार कर देगा पापा क्या तो पापा क्या है, ये तो पापा क्या है। तो दोस्तों हम लोग अब चलना शुरू कर दिए हैं और पता नहीं अभी कितना दूर है, कितना किलोमीटर है धीरज अभी? 23 किलोमीटर लगभग, 23-24 किलोमीटर और गाइस। तो आई होप जल्दी पहुंचे और मौसम बारिश ना हो गाइस, फिर तो मजा आ जाएगा एकदम, खाली बारिश ना हो, हल्का बूंदाबांदी हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेज बारिश नहीं होना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों जितना बारिश होना है उतना हो जाए, मजा आ जाएगा गाइस तो। ये रास्ता देखिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल टूर पे और रास्ता लग रहा है कि कोई गांव में घुसल जा रहे हैं, बताइए। तो गाइस पता है इन लोगों के साथ में आने में यही मजा है, मजा आ जाता है इन लोगों के साथ में, सब अपने लोग है गाइस, सब एक मोहल्ले के ही लोग है सारे। तो गाइस ये हमारा मतलब आगे का डेस्टिनेशन, अब मुझे ये नहीं पता कि किधर है, इसमें बस इसी माउंटेन रेंज में वो काकोलत जो झरना है ना वही है, तो इसी माउंटेन रेंज में दोस्तों आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं किधर है वो मुझे नहीं पता, बस जाकर दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये काकोलत जल प्रपात में आपको स्वागत है। तो एंट्री तो हो गए दोस्तों, मतलब उस रेंज में एरिया में आ गए हैं, बस अब देखते हैं कि यहाँ से कितना आगे हैं। बाकी और भी देखिए आगे जो जा रहे हैं ना वहीं जा रहे हैं शायद दोस्तों, नहाने जा रहे हैं। तो बस
बस दोस्तों अब थोड़ा सा और टाइम बाकी है, पता नहीं सिटू सब कहाँ है। हालांकि उसने बताया कि हम आपसे आगे हैं, अब आगे हैं इसी रूट में आगे हैं या फिर वो सब दूसरे रूट में चला गया वो भी मुझे पता नहीं, कन्फर्म नहीं है। बट थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और बस लगभग पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के साथ। एंड दोस्तों सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, एक्साइटमेंट बताऊंगा, लोकेशन दिखाऊंगा एंड जो मज़े करेंगे दोस्तों वो भी बताएंगे दोस्तों। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं पार्किंग लॉट में, मतलब इधर पार्किंग होती है। और भीड़ देखिए गाइज, आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। पार्किंग बना लीजिए पहले, 20 रुपये मोटरसाइकिल चार्ज है। अच्छा चेंज ना देखना, अरे वो सब कहाँ है गाइज, वहाँ पे वो टिकट कट रहा है पार्किंग के लिए, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं कि सीटू है कहाँ। अब देखिए वो हमसे आगे बोल रहा था, लेकिन रियल में दोस्तों वो सब यहाँ पहुँचा नहीं है, वो सब दूसरे रूट में पहुँच गया है। और अब उसका इंतज़ार करते हैं दोस्तों, यहीं पे लगा दे कहीं पे। अरे वो सब यहाँ एलते ना पहले ही देखना है। हाँ तो फिर तो गाइज फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे और अपना बाइक यहाँ पे लगा रहे हैं। और अभी दोस्तों वो सब आया है, अभी वहाँ पे अपना टिकट कटा रहा है और वो सब भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पे लगा करके ना हम लोग फिर निकलेंगे, इधर से पैदल साथ में चलेंगे फिर। अब पता नहीं यहाँ से कितना दूर आगे जाना है वो मुझे नहीं पता, बट इधर का लोकेशन देखिए, इधर का नज़ारा एकदम मस्त है। फिर भी देखते हैं कितना ऊपर चढ़ना है या फिर नीचे नीचे ही जाना है, थोड़ा चढ़ाई करना है कैसा है वो दोस्तों आप चल के बताते हैं। ये दोस्तों इस तरह से अपना हेलमेट सेफली रखने के चक्कर में इस तरह से टांग करके रखें ताकि कोई इसको ले के ना जाए, इसमें फंसा करके लॉक कर दिए दोस्तों, आई होप को ले के ना जाए। और उधर देखिए अभी ये धीरा जा रहा है, बाकी वहाँ पे अमन वगैरह टिकट काट रहा है। ये देखिए तो नहीं आगे बढ़ गए निहाल, हाँ हम जाने से लेके आगे बढ़नी हो सब है। अरे तो ऐसे इंगल रोड है तो निकालने घुस जी भाई दूसरा दिन। हाँ तो फिर झूठ क्या बोले हैं। तो गाइस अब हम लोग बाइक पार्किंग में लगा करके वापस जा रहे हैं उधर झरने की तरफ। और पीछे देखिए अमन सब साथ में जा रहा है, धीरज रोहित सब साथ में, दोस्तों सब साथ में रहेंगे, सब साथ में इंजॉय करेंगे। और बस आपको दिखाते चलते दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से देखिएगा एंड वीडियो लाइक करिएगा जरूर गाइस, ठीक है।